हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम व्हाट आर दी कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्वेक्स लेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। सो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स, व्हाट आर दी कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस दैट इज अ थिकर इन द मिडल देन द एजेस। ये जो होता है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस का टाइप है जो कि मिडल में थिक होता है ध्यान पेरिफेरी या एजेस के कंपेयर में, ये बीच में या फिर मिडल में थिक होता है ध्यान एजेस और पेरिफेरी के। सो इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव लेंस या प्लस लेंस भी इसे कहा जाता है। सो कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज टू, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम कन्वर्ज द लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रिंगिंग पैरेलल रेज लाइट रेज टुगेदर टू फॉर्म एन इमेज फॉर्म करने के लिए जो कन्वर्ज किया जाता है वो कन्वर्जिंग लाइट रेज। ठीक है, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी मैग्नीफाई होता है, जिसमें मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन दे आर, जैसा इमेज है उससे वो मैग्निफिकेशन होता है। देन करेक्ट हाइपरोपिया, इसका यूज हम हाइपरमेट्रोपिया जैसे उसे हम फार साइटनेस भी कहते हैं वो ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अलाउिंग पीपल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने के लिए या विजन साफ होने के लिए इसका यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो है मिडल में ये ठीक होता है ध्यान पेरिफेरी और एजेस के कंपेयर में। ठीक है, सो इसका यूज कन्वर्ज करने के लिए होता है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ही लाइट रेज लेंस में एंटर होते हैं और उसके बाद कन्वर्ज होते हैं रेज। ठीक है, सो इसका यूज जो होता है कन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि रेज कन्वर्ज करने के लिए होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुणधर्म उसके होते हैं। सो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है थिकर इन द मिडल देन द एजेस, ये मिडल में थिक होता है देन एजेस। कर्व आउटवर्ड, उसका जो कर्व होता है वो आउटवर्ड होता है। कन्वर्ज लाइट रेज, उसके जो प्रॉपर्टीज होती है वो लाइट रेज कन्वर्ज करती है। फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस से वो रियल होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। देन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन मूविंग लेंस इन फ्रंट ऑफ आईज, जब आपके सामने पकड़ के अगर लेंस की मूवमेंट किया जाए तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। देन इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, इसका जो यूज है कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने के लिए, बायनोकुलर्स बनाने के लिए या फिर कैमराज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस के कौन कौन से टाइप्स है। सो कॉन्वेक्स लेंस के बायो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंसेस, ये तीन टाइप होते हैं दोस्तों। सो बायो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड, जो कॉन्वेक्स सर्फेस होता है वो बोथ साइड होता है उसे हम बायो कॉन्वेक्स कहेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, सो फ्लैट ऑन वन साइड में फ्लैट होता है और दूसरी साइड में कॉन्वेक्स ऑन अदर साइड, वन साइड फ्लैट और अदर साइड कॉन्वेक्स, उसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंसेस क्या होता है, सो कॉन्वेक्स ऑन वन साइड में कॉन्वेक्स होता है और दूसरी साइड में कॉनकेव ऑन अदर साइड, उसे हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंस कहेंगे। सो ये तीन टाइप है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, देन कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूजेस, क्या यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। सो आई ग्लास बनाने के लिए एंड कॉन्टैक्ट लेंस, आई ग्लास बनाने के लिए एंड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। कैमराज एंड फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। बायनोकुलर्स एंड स्पॉटिंग स्कोप इसमें इसका यूज होता है। लेजर टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्ज लाइट रेज, कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्ज करते हैं लाइट रेज को एंड मेकिंग देम यूजफुल फॉर मैग्निफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जिसकी वजह से जो एक्चुअल इमेज होती है वो मैग्निफिकेशन होती है और जिसका यूज हम हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो हाउ टू, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, सो अगर आइडेंटिफाई उसका जो मिडल में
थिकनेस होता है वो मिडल में ज़्यादा होता है और पेरी पेरी और एजेस के एजेस में उसका जो थिकनेस है कम होता है। जब आपके सामने उसका मूवमेंट किया जाता है दोस्तों, सो ऑपोजिट डायरेक्शन उसमें से होती है, देन उसकी वजह से कॉन्वर्ज जो इमेज होती है वो मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज होती है, एक्चुअल इमेज से मैग्नीफिकेशन होना, इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं अगर इसमें मैग्नीफाई हो रही है तो वो प्लस लेंसेस है या कॉन्वेक्स लेंस है आप कह सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए। थैंक यू।